केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की है, आपका क्या कहना है? सबमिशन होगा मैं वो कमेटी को कर दूंगा। मैम कई ऐसे वीडियोस आते हैं सरकार से करवा रहे हैं, इसको ये दिखा रहा है कि टेररिस्ट करने की टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल की जा रही है। आपकी मदर का एक वीडियो है जिसमें वो हाथों में गन लेकर नजर आ रही है, इसको क्या कहेंगे? मैं आपको वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज टू टॉक ऑन दिस इशू एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा जो भी है आई विल गिव इट टू द कमेटी, बट आई एम नॉट ऑथराइज टू से एनीथिंग टू मैडम। तुम्ही सांगता की तुम्ही ऑथराइज नाही आहे या संपूर्ण विषयावर बोलण्यासाठी, मात्र तुम्ही लाल दिवा गाडीवर लावला होता, महाराष्ट्र शासनाच्या प्रायव्हेट गाडीवर लिहिलं होतं, कॅबिनची सुद्धा तुम्ही मागणी केली होती। तेच सांगते, त्याच्यासाठी सरकारने जी काही कमिटी त्याच्यामध्ये नेमलेली आहे, मला वाटतं आपण सगळ्यांनी ते रिस्पेक्ट केलं पाहिजे त्या गोष्टीचा, अँड माझं जे काही सबमिशन असेल मी ते त्या कमिटीला नक्की देईल, मी त्या कमिटीला सांगेल, बट मी तुमच्याशी बोलायला किंवा आता मीडियामध्ये बोलायला मी त्या बाबतीमध्ये ऑथोराइज नाहीये। मैम जिस तरह से आरोप लगे हैं कि आपने आपने जिस तरह से डीआईपी डिमांड किया है, केबिन का डिमांड किया है, सारे आरोप जो डीएम लगाए हैं पुणे के, उस पे क्या है? मैं वही बोल रही हूँ, मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी, जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक टू द मीडिया। गवर्नमेंट आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर देम एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी, बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज, द रूल्स डू नॉट परमिट मी। सवाल का यही जवाब क्यों आप दे रही हैं कि आप जो ये है वही उसी पर जो आरोप है उस पर भी बात कर रही है ना? मैम आप सीनियर ना विचारता, तुम्ही कैबिन मध्ये ताबा घेतला होता सीनियर चा, हम आपके चार्ट्स में बाहर आए, ताबा घेतला होता मैडम तुमच्या कुछ भी कहने के लिए।